अपना मत देसी और आप देख रहे हैं केकेएनएस 24। 20,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी के हत्थे चढ़ा कार्यपालक अधिकारी। अपने ही विभाग के रिटायर्ड कर्मी से लंबित वेतन भुगतान के बदले वसूल रहा था नजराना। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के रामनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा को विजिलेंस टीम ने 20,000 रुपए बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। बता दें कि कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा अपने ही विभाग के रिटायर्ड लिपिक प्रसिद्ध नाथ तिवारी से लंबित वेतन भुगतान के बदले 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत तिवारी ने विजिलेंस से की थी, जिसके आलोक में विजिलेंस विभाग के DSP सर्वेश कुमार सिंहवार को घुसखोर ईओ को के कार्यालय से 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। इसकी खबर जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई। थोड़ी ही देर में नगर पंचायत के पार्षद गोलबंद होकर ईओ के समर्थन में आधमके और गिरफ्तार युवक को निर्दोष बताते हुए विजिलेंस टीम से उलझ पड़े। इतना ही नहीं, पार्षदों ने गिरफ्तार युवक को भी विजिलेंस की चंगुल से भगा दिया। विजिलेंस विभाग के DSP सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इनका एरियल का राशि, अब एरियल की राशि अभी इनकी पचमा छठा का था, इसमें तो राशि की बात नहीं आई है। जी। लेकिन हैंडसम अमाउंट होगा ही, क्योंकि उन्होंने अपने बकाया 20,000 रुपया राशि के लिए, अपना बकाया राशि के लिए अपना दौड़ लगा रहे। हाँ, दौड़ लगा रहे। शिकायत आपके ब्यूरो में जाकर ये आवेदन दिए, उसका वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन से बात सही पाई गई और आज ट्रैक। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सर्वेश कुमार सिंह हुआ, DSP विजिलेंस। आइए आपको ले चलते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की ओर, जहां पर अरुण पांडे के हत्याकांड के 70 दिन बाद भी पुलिस का हाथ खाली दिखाई दे रही है। अरुण पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। घटना के करीब 70 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस हत्यारों को तलाशने में विफल रही है। मृतक अरुण पांडे के परिजनों की माने तो जिस हेलमेट से अपराधियों ने घटना का अंजाम दिया था, वह हेलमेट घटना के समय से घटना के दूसरे दिन तक घटना स्थल पर ही मौजूद था, जिसके आधार पर डॉग स्क्वाड टीम 2 दिनों तक हत्यारों की तलाश में भटकती रही। वही आज 70 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस का हाथ खाली ही है। देखिए पश्चिमी चंपारण के बगहा से जयप्रकाश मिश्र की ये रिपोर्ट। 29 नवंबर को अरुण पांडे नौगांव मुन्ना राव जी की यहाँ से पूजा करा के घर लौट रहे थे। नौगांव के बगल में उनकी हत्या हो गई, अपराधियों ने हत्या कर दिया। उसमें कुत्ता भी दो रोज आया, किसी के घर में ढूका, लेकिन किसी भी हत्यारों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं की। मुझे पूर्ण विश्वास है, 70 दिन हो गया, अभी तक मैं आशा पर बैठा हूं कि आगे पुलिस क्या कर रही है, और पूरा भरोसा है कि प्रशासन इसमें कुछ ना कुछ करेगी और मुझे सफलता मिलेगी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ, आशा में मैं बैठा हूँ। आगे अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं। आपका नाम? नंदेश्वर कुमार पांडे। वो आपके कौन थे? भाई थे, बड़े भाई थे। अब रुख करते हैं बिहार के मधुबनी की ओर, जहां पर पंचायत चुनाव नजदीक आते ही चुनावी चमक दिखाने में मुखिया ने कराया नाला निर्माण, मात्र 1 सप्ताह में हुआ चकनाचूर। तमाम मुखिया अपने क्षेत्र के वोटरों को रिझाने के लिए ताबड़तोड़ योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं, जिससे मुखिया जी को अगले चुनाव में लोगों को समर्थन मिल सके। लेकिन मुखिया जी योजनाओं में इतना कटौती करते हैं कि योजना पूरी होते ही 17 दिन के बाद टूट कर बिखर जाती है। हमारे दरमियान अरविंद चौधरी मुन्ना जी जो कि एम्पायर है, वो बहुत
बता दें कि यह मामला मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड के मलमल दक्षिणी पंचायत का है, जहां नाला बनने के एक सप्ताह के बाद टूटकर चकनाचूर हो गया। इसके बारे में स्थानीय लोगों ने नाम उजागर न करने पर बताया, मुखिया जी और वार्ड मेंबर के द्वारा इस योजना के निर्माण में कटौती की गई। इस नाला निर्माण में पतला लोहे का सरिया व सीमेंट में कटौती की गई, जिसके कारण यह नाला बनते ही एक सप्ताह में टूटकर बिखर गई। आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं, मलमल दक्षिणी पंचायत के मुखिया रेहाना खातून और वार्ड मेंबरों की मिलीभगत के द्वारा किस प्रकार लोगों को चुनावी चमक दिखाने की योजना लगाई जा रही है, जो बनते ही बिखर रही है। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। बताया जा रहा है इस नाले की दुर्गति ये है कि अभी इस नाले को बनाए हुए सिर्फ 10 या 15 दिन हुए हैं और ये नाला टूट चुका है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जहां हम खड़े हैं वो रास्ता ना हाईवे है ना इतनी चौड़ी सड़क है जहां से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी होगी। यहां से यकीनन छोटी गाड़ी ही गुजरी है और उस गाड़ी के गुजरने से जब ये नाला टूट गया है तो आगे हम इस नाले के बारे में क्या अंदाज़ा लगाते हैं। जब इस जगह पर हम पहुँचे और यहाँ के एक्सपर्ट से हमने मालूम किया, कुछ तजर्बेकार मिस्त्री से, तो हमें ये पता चला कि इस नाले को बनाने में 12 mm और उससे मजबूत रॉड देना चाहिए था, लेकिन 8 और 10 mm का रॉड डालकर इस नाले को तामीर किया गया है। और साथ ही साथ ये नाला, इस नाले की ढलाई में सीमेंट की मात्रा बहुत कम दी गई है। और भी हमने एक्सपर्ट से बात किया तो पता ये चला कि ये मुखिया फंड से ML विधायक के मुखिया फंड से वार्ड मेंबर के द्वारा ये नाला बनाया जा रहा है। यानी कि मुझे ये पता चला कि इस नाले के तामीर में पर्याप्त मात्रा में जिस मटेरियल पड़ना चाहिए था उस मटेरियल में कटौती की गई है, इस वजह से नाले का ये दशा है।